फ्रेंड्स, ये है मेरी अपराजिता की बेल, जिसे हम विष्णु कांता भी कहते हैं। ये बहुत ही शुभ पौधा है, जिसे हमें सभी को अपने घरों में ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये विष्णु कांता है और विष्णु भगवान का बहुत ही प्रिय फूल होता है। और गुरुवार के दिन इसे अगर हम चढ़ाते हैं विष्णु भगवान को, तो वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। साथ ही इसका नाम है अपराजिता, यानी जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता है। तो अगर आपके घर में ये प्लांट रहता है, तो ऐसा माना जाता है कि आपको भी कोई अपराजिता की तरह पराजित नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत बेल भी है। शुभ होने के साथ साथ ये बहुत ही खूबसूरत और इजी टू ग्रो बेल होती है, जिसे आप इजीली गमले में ग्रो कर सकते हैं। अगर कच्ची ज़मीन आपके घर में नहीं है, तो आप अपराजिता के पेड़ को इस तरह से 12 इंच के पॉट में लगा सकते हैं। बहुत ही तेज़ी से ग्रो होने वाली ये बेल है और बहुत ही जल्दी इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने इसमें बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र देते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो ये जो बेल है आपकी, ये बहुत तेज़ी से ग्रो होगी। मेरा बहुत छोटा सा प्लांट है, लेकिन इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और रोज़ ही इसमें बहुत ही अच्छे से खूबसूरत से फ्लावर्स आ रहे हैं। अपराजिता का जो प्लांट होता है, ये दो कलर में आता है। एक तो ये जो आप देख रहे हैं, जिसमें वाइट और पर्पल कलर मिक्स होता है, साथ ही वाइट अपराजिता भी आती है, उसकी भी बेल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अगर इसकी मैं केयर की बात करूं, तो अपराजिता के प्लांट को 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो आप इसे ऐसी जगह पर रखें अपने गार्डन में, जहां पर इसे अच्छी सनलाइट 4 से 5 घंटे की या 5 से 6 घंटे की ज़रूर मिले, तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। वाटरिंग की बात करें, तो ओवर वाटरिंग किसी भी प्लांट को नहीं पसंद होती है। उसी तरह से अपराजिता के प्लांट में भी अगर आप ज़्यादा वाटरिंग करेंगे, तो इसकी बेल बढ़ने की बजाय खराब होना शुरू हो जाएगी। इसकी लीव्स येलो पड़ने लगती हैं और ख़राब हो जाती हैं। तो अपराजिता के प्लांट में आप वाटरिंग तभी करें जब इसकी सॉइल ऊपर से सूख जाए। और इसकी बेल बहुत ही तेज़ी से ग्रो होती है, तो इस तरह की किसी स्टिक से आप इसे सपोर्ट ज़रूर दे दें, जिससे आपकी ये जो अपराजिता की बेल है, ये इधर उधर ना भागे और सीधे बढ़ती रहे। तो बहुत ही अच्छे से ये बेल जो है, वो आपकी ग्रो करती है। अगर मैं फर्टिलाइज़र की बात करूं, तो अपराजिता के प्लांट में अगर आप हर 15 दिन में एक मुट्ठी गोबर की खाद, जिसे काउडक फर्टिलाइज़र हम कहते हैं, उसे दे सकते हैं, या फिर वर्मी कंपोस्ट को आप अच्छे से गुड़ाई करके दे सकते हैं, जिससे ये प्लांट बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता है। इसके साथ ही आप होममेड फर्टिलाइज़र भी इसे दे सकते हैं, लेकिन बारिशों में कोशिश करिए कि लिक्विड फर्टिलाइज़र आप अवॉइड कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी जो सॉइल होती है, वो बारिश में बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है, और उस पर अगर आप होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं, तो सॉइल और भी ज़्यादा गीली हो जाती है। तो आप इसमें सूखी खाद ही दीजिए, और अगर गर्मियाँ हैं, तो इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र, ओनियन पील फर्टिलाइज़र और बनाना पील फर्टिलाइज़र भी आप दे सकते हैं। होममेड बहुत सारे फर्टिलाइज़र होते हैं, जो हमारी प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ये होममेड फर्टिलाइज़र कौन कौन से हैं और इन्हें कैसे बनाना है, इस पर मेरा पूरा एक फुल वीडियो है, जिसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। अगर आप चाहें तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अपराजिता की बेल की कुछ केयर टिप्स हैं। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे, तो आपकी अपराजिता का प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि अपराजिता के प्लांट में वाइट फ्लाइज का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो हर 15 दिन में नीम ऑयल आप 1 टेबल स्पून ले लीजिए, और इसे 1 लीटर वाटर में डिजॉल्व करके इसमें स्प्रे कर सकते हैं। अगर ऐसा आप करेंगे, तो इसमें वाइट फ्लाइज का अटैक कभी नहीं होगा। साथ ही अपनी अपराजिता के प्लांट को खुली जगह पर रखेंगे, तो भी अपराजिता के प्लांट में वाइट फ्लाइज का अटैक कम होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी अपनी अपराजिता के प्लांट की केयर करिए, तो आपका भी अपराजिता का प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो इस खूबसूरत सी अपराजिता यानी विष्णु कांता प्लांट के ऊपर। अगर आपको पसंद आया है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और वीडियो पसंद आया तो कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल।